हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विरंग के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक HW दिया था जो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था और बहुत बच्चे उसको नहीं कर पाते, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल सकता है बिल्कुल सेम, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन हम फिर वही तीन तरीकों से कर सकते हैं इसका, तो ऑप्शन मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाता है लगाना, पर कोई बात नहीं, ऑप्शन से भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्शन से ही, जैसे देखो 32 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था 32 उसमें, और उसने बोला था कि पहली संख्या को दो बार जोड़ने पर, पहली मैं इसको ही मान लेता हूं 32 को, इसको अगर मैं दो बार जोड़ दूं 64, और दूसरी को तीन बार जोड़ने पर, ध्यान देना, दूसरी को तीन बार जोड़ना है, तीन बार जोड़ दूंगा कोई बात नहीं है, तो मुझे 100 मिल जाएगा। यही तो बोल रहा है, पहली को दो बार, पहली मैंने मान ली 32, उसको दो बार और दूसरी को तीन बार जोड़ने पर मुझे योगफल 100 मिलता है, यही बोला था ना। अब मैं ये देखूं कि भाई पहली को अगर दो बार जोड़ूंगा तो वो 64 बन रहा है, तो बची कितनी, यहां पे कितनी और चाहिए, 36 चाहिए कि नहीं। लेकिन ये 36 कितनी बार जोड़ा गया किसी दूसरी संख्या को, तीन बार कि नहीं, तीन बार तो संख्या क्या होगी फिर, वो 12 है, और ये क्या 32, इसको दो बार और इसको तीन बार जोड़ने पे हो गया, दोनों संख्या मिल गई कि नहीं। अब जब दोनों संख्या मिल गई तो जो दूसरी शर्त है उसको चेक कर दो कि वो सही बैठती है या नहीं, बस दूसरी शर्त चेक कर दो। दूसरी क्या शर्त थी, दूसरी शर्त थी कि पहली संख्या को तीन बार कर दो, कितना 96, और दूसरी संख्या को दो बार कितना, इनका योगफल 120 आना चाहिए। क्या आ रहा है 120, तो ऑप्शन हमारा 32 सही है। ऐसे तो हम 32 से ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ये मेथड है भाई, चारों ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा ऐसे, पर 32 पहले पे ही था, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। ठीक है, अगर 32 नहीं होता फिर दूसरे ऑप्शन पे जाता, दूसरा ऑप्शन चलो लेके दिखा देता हूं एक बार, नहीं तो जो कहोगे सही वाले तो कोई भी ले ले, गलत वाले लेके दिखाओ, तो चलो 12 ले लेते हैं एक बार। 12 को दो बार, 24, दूसरी क्या बचेगी, अब भाई जोग 100 आ रहा तो दूसरी क्या होएगी, यहां 76, और 76 को कितना, 76 तीन बार, किसका तीन बार है ही ना किसी का तीन बार, जैसे 36 तो 12 का तीन बार था, तो 76 किसी का तीन बार जोड़ने से आ ही नहीं सकता, यही गलत है, एकदम गलत है, और ऑप्शन में ऐसी बात यही फेल हो जाएगी, तीन बार बनेगा ही नहीं किसी का। ठीक है यार, बन भी गया तो अगली शर्त नहीं आने की। चलो, तो ये होता है तरीका, संख्या ही नहीं ला पाओगे आप इसमें, तो 32 बस सारी शर्तें सही बैठी। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो ऑप्शन मेथड था, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं जिसको। अब आप देखिएगा, एक्स से दो तरीकों से किया जा सकता है सवाल, एक तरीका तो एक्स और वाई मान के, और एक तरीका है सिर्फ और सिर्फ एक्स मान के। जो एक्स वाई मानते हैं उनके लिए तो समझ लो हो ही गया सवाल, कैसे हो गया कि पहली संख्या एक्स और दूसरी वाई, बताओ भाई पहली संख्या का कितने गुना, दो बार, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहला समझ में आ गया, जरूरत नहीं है सीखने की, पहली संख्या को दो बार दूसरी को तीन बार जोड़ने पर क्या आया 100, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है कि पहली संख्या को तीन बार और दूसरी को दो बार, दूसरी है भाई, जोड़ने पर 120 आता है दूसरी इक्वेशन। अब इनको बराबर करके काटना है, इसमें दो की गुणा करो, इसमें तीन की गुणा करो पूरी इक्वेशन में, और माइनस कर दो, ये कट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का जो है उसे यहां रख देना, वाई का आ जाएगा, तो एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। एक तरीका यह है इक्वेशन बना के, एक्स और वाई अगर आपको हल करने आते हैं सीख लो, क्योंकि ये पूछे गए हैं ऐसे हल करने वाले, मतलब ऐसी इक्वेशन दे दी और एक्स वाई के मान बताओ, ऐसे भी आए हैं सवाल,
तो अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जरूरी है सीखना, ठीक है। एक्स वाई कैसे हल करते हैं ऐसे में, देखिए बताता हूं। ये जो वाई है इसको दोनों को बराबर कर लेते हैं, वाई को दोनों में। तो बराबर करने के लिए मुझे जरूरी है इसमें दो की गुणा कर दूं तो ये छह हो जाएगा, और इधर तीन की कर दूं तो ये भी छह हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं? तो जब मैं पहली में दो की करूंगा तो पूरी इक्वेशन में करनी पड़ती है मुझे, तो मैं नई इक्वेशन बना रहा हूं यहां पे, 4x पूरी में करूंगा दो की, सिर्फ एक में नहीं कर सकते, ये रूल है। 6y बराबर 200, उधर भी 200, ये थर्ड इक्वेशन बन रही है हमारी, और इसमें तीन की गुणा, तीन की 9x 6y और 120 या 360, चौथी इक्वेशन। अब क्योंकि सेम चिन्ह है, जब सेम चिन्ह होगा हमेशा याद रखना घटाना है, अगर ये माइनस होता तो कहता जोड़ना है, और जब भी घटाने की बात आएगी सबके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, जो प्लस थे वो माइनस और जो माइनस थे वो प्लस, कोई माइनस था ही नहीं, सारे ही माइनस कर दिए प्लस। तो अब आप देखना 6y 6y एक जैसे कट गए, तो बचा क्या, माइनस के 5x। क्यों माइनस के क्यों बचे जी? अरे भाई माइनस 9x है, प्लस का 4x है, तो माइनस के ज्यादा है, और यहां पे माइनस के क्या 160, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया, और x बराबर 160 बटे 5 आ गई 32। ऐसा आई है पहली संख्या, यही पूछा उसने, तो पहली संख्या बताओ। अगर आपको चाहिए दूसरी भी बताओ तो इस 32 का मान यहां रख दो, 32 दूनी 64, 64 इधर ला के घटाओ 36, 3y बराबर 36 और y बराबर 36 बटे 3 12 है। ऐसे आप y का ला सकते हो, तो आपको xy हल करने आने चाहिए, मेरा उद्देश्य ये था इसको सिखाने का। अब कुछ बच्चे xy में ना बना के सिर्फ xx में बना के भी इस सवाल को कर सकते थे, वो कैसे, उसमें थोड़ा संघर्ष है, मतलब पर y हल नहीं करना पड़ेगा ये निश्चित है। चलो सिर्फ x में कैसे बना सकता था मैं इस इक्वेशन को, बहुत अच्छे तरीके से बना सकता हूं। चलिए मिटा दूं क्या इसको, चलो मिटाई दूं। पहली संख्या तो x, दूसरी मानने में अभी थोड़ी सी जल्दी मत करो, दूसरी ऐसे माननी पड़ेगी मुझे। देखो अगर दोनों का योग होता 120 या 100 तो पहली x दूसरी 100 माइनस x मान लेते हैं बड़े आसानी से, ठीक है, y मानने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहली x और दूसरी तरीके से मानेंगे, तो पहली को दो बार जोड़ने पर, दूसरी को तीन बार दूसरी को, तो एक मिनट के लिए भाई दूसरी है जो मान लो, अभी वाई नहीं मान रहा हूं, दूसरी को तो 100 आया, इस वाई का मान मुझे यहीं के यहीं मिल जाएगा, दूसरी मानने का तरीका बता रहा हूं, एक्स में ही माननी है तो 100 माइनस 2x और इस तीन को बटे में ले जाऊंगा, ये मुझे दूसरी संख्या मिल गई, पहली एक्स दूसरी ये रही, दूसरी ये आई से ये भी, ठीक है। क्यों, पहली का दुगुना करा, उस दुगने को उसमें से घटा दिया तो दूसरी का तीन गुना मिलेगा, तो तिहाई कर दिया, तो दूसरी मिल गई मुझे एक्स के पदों में ही, तो मुझे दूसरी मिल गई ये री और पहली ये री। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं एक्स में इस सवाल को कैसे निपटाऊंगा, बस अब देख लो, दूसरी शर्त लगा दो कि पहली संख्या का कितना, तीन बार, पहली संख्या का तीन बार और दूसरी संख्या को दो बार, इस पूरे का दो बार करने पर 120 मिलेगा। एक्स हल कर लो, आपका उत्तर है एक्स हल कर लो, बस पहली का तीन बार, दूसरी को दो बार, अब एक्स वाई हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स एक्स से काम चल जाएगा। तो आप ऐसे भी इस सवाल को निपटा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, मैंने तीन तरीके बता दिए इस सवाल को करने के, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ना, बहुत जगह फेल हो जाएंगे, ये किसी में भी आप लगा देना, हर जगह कामयाब है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, देखिए आज के सवाल है ये,
बहुत अच्छा सवाल है, भिन्नो वाले सवाल मैंने नहीं कराए हैं मित्रों, एक भिन्नो वाले सवाल जो 10% वृद्धि 20% हर में कमी वो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, परसेंटेज वाले चैप्टर में कराऊंगा ताकि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं और वहाँ उसका क्रम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जोड़ने पर घटाने पर गुणा करने पर ऐसे सवाल इसी चैप्टर के होते हैं, ठीक है, या स्थान बदल जाते हैं, परस्पर अंक बदल जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर में करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलो तो देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा कुछ सवाल मैंने बोला जन्म जाति ऑप्शन के लिए बने होते हैं, ये उनमें से ही एक है, ठीक है, आप ऑप्शन से ही इसको निपटाओगे। ऐसे सवाल ऑप्शन से अगर आपने सोच लिया ना इस सवाल को, सोचते ही समझ लो हो गया, इतनी सी बात सोचनी है बस। अंश में से दो घटाने पर और हर में तीन जोड़ने पर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जी यहीं पे तीन अंश में से घटाया है, दो घटाया अंश में से, समझना, दो घटाया अंश में से एक आया तो पहले अंश तीन रहा होगा, ऐसे भी सोच सके, ठीक है, और तीन हर में जोड़ने पर चार आया, हर में तीन जोड़ने पर तो ये पहले एक रहा होगा, तो भिन्न इसका मतलब ये हो गई। तो दरअसल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपस में कट पिट के भी आती हैं, तो आप इससे ना चलें इन सवालों में, तो आप ऑप्शन से जरूर चल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में मान के चला मैं भिन्न कि ये है, तो जब मैंने ये मूल भिन्न मानी तो इसमें से मुझे दो घटाने में दिक्कत आ जाएगी, अंश में से शुरू में ही दो घटाने को बोल दिया तो मैं इससे नहीं कर सकता चेक, ऑप्शन देखना एकदम सही करता चला जाऊंगा। फिर उसने बोला कि अंश में से दो घटाने पर तो मैं इससे भी चेक नहीं कर सकता क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, एकदम गलत होता जा रहा है सारा। अब मैं जैसे ही 4/5 पे आऊंगा, 4/5 पर तो अंश में से दो घटाऊंगा तो यहां दो बचेगा, और हर में तीन जोड़ूंगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो मुझे 1/4 मिली या नहीं मिली भाई, 2/8 को 1/4 भी तो बोलोगे, ये बहुत आसान सवाल है, समझो तो सही आप। इसमें से अंश में से दो घट नहीं सकता, इसमें से घटाते ही जीरो हो गया, ठीक है। अब मैं इस पे ही तो पहुंचा फिर, तो इसमें से दो घटाने पर दो रह गया और हर में तीन जोड़ने पर 8 हो गया, तो 1/4 मिल जाना चाहिए, मिल गया, वही तो कह रहा वो 1/4 प्राप्त होता, हो गया। अब क्या करें जी, अब बस ये शर्त और सही बैठ जा तो मैं कहूंगा ये 100% उत्तर सही है। चलो, और हो सकता है आप इसको ही चेक कर लो, इसमें 1/4 आवे ही ना, तो फिर आपका उत्तर ये दूसरी शर्त चेक करने की जरूरत नहीं, उसे भी चेक कर लो 1/4 आ रहा कि नहीं आ रहा, अंश में से दो घटाने पर एक और हर में तीन जोड़ने पर ये तो 1/8 आ रहा, 1/4, तो फिर तो 100% यही उत्तर है, दूसरी शर्त भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीन ऑप्शन कट ही गए, तीनों ही कट गए, फिर तो एक ही बच रहा, ठीक है। पर चलो चेक करो दूसरी शर्त, ध्यान दो भाई, दूसरी शर्त भी बता रहा हूं कैसे आता है वो 2/3, ध्यान दे लो क्योंकि कर तो लिया ही तुमने, मुझे पता, पर ये जरूरी है शर्त चेक करनी कि भाई, क्योंकि आगे वाले सवालों में काम आएगी। अंश में 6 जोड़ने पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, अंश में 6 जोड़ रहा हूं, अंश माने ऊपर वाला नॉमिनेटर, 4 में 6 जोड़ दिया और हर में 3 की गुणा करने पर क्या 2/3 मिलेगा, चेक कर लूं, 10 और ये कितना 5 से कट जाएगा, मिल रहा 2/3 या नहीं, और किसी ऑप्शन में बात बनेगी नहीं, इसमें सबसे ज्यादा सही माना जाएगा। तो ये सवाल आप कुछ और सोचो ही मत ऑप्शन के अलावा, इनका मेथड ही ऑप्शन है बेस्ट, ठीक है, और ऑप्शन से शर्त चेक करनी है बस, गलत करना ऑप्शन सही करना बस इतना सा काम है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इनको करो तो, और अगर आप कहो नहीं जी बगैर ऑप्शन के बताओ ही हमें तो चेक कुछ भी हो जा, तो मैं वो बता भी देता हूं। भिन्न हमेशा इन सवालों में x/y मानी जाएगी, x/y हमेशा भिन्न, अंश x हर y, ठीक है। दो इक्वेशन बनेंगी, पहली कैसे है, अंश में से दो घटा दो और हर में तीन जोड़ दो, 1/4 इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाने के लिए 4 की उधर गुणा 4x-8 और 1 की इधर गुणा y+3,
तो 4x माइनस वाई इधर आ जाएगा, 8 उधर चला जाएगा, 11 पहली इक्वेशन। ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, एक्स वाई जो हल करने अभी सिखाए थे फिर ऐसे एक्स वाई हल होंगे और सवाल हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि कुछ बच्चों को चाहिए एक्स से, इसलिए मैं एक्स से भी बता देता हूं। ठीक है, पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन बनानी है तो वो भी देख लो, साथ साथ ही भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया, हर को 3 से गुणा कर दिया और बराबर क्या आया, 2/3 तिरछी गुणा करो, 3x प्लस 18 बराबर 6y, इधर ले आओ 3x माइनस 6y बराबर माइनस 18। अब इनने कर लो बस 6 की गुणा करके जो घटाने पर ये करके वो करके, बस उत्तर है सीधा x और y के मान रख के। तो भाई ये मुश्किल है, वैसे टाइम लगेगा इसमें, टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आप ऐसे ना करें तो बेहतर है, ऑप्शन मेथड ही लगा लें, पर तरीका आना जरूरी है। चलो अगला ऑप्शन, अगला तरीका, अगला सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप देखिएगा, मेरी जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन लो और करो, एक प्रकार से आप इसको HW मान सकते हो। पहली शर्त चेक करना, 11 किसमें सब में बना दिया, इतना आसान भी नहीं देगा कि 11 भी ना बनाए, बना दिया ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो कोई नहीं। दूसरी शर्त चेक करनी है, बस क्या करना, दूसरी शर्त में अंश में 1 जोड़ दो, जोड़ दूं ये 6 हो जाएगा और हर में से 2 घटा दो 4, ये कितनी बन रही है, 3/2, और हमें बनानी कितनी है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ ना। अब जब मैं 1/10 से करूंगा तो बताना, ये तो योग तो है, अंश में 1 जोड़ दूंगा, जोड़ दिया, और हर में 2 घटा दूंगा 8, ये 1/4 आया, 2/3 बनानी है ये भी नहीं है, फटाफट चेक होंगे, 4/7 अंश में 1 जोड़ दूंगा 5 इससे कर रहा हूं, और हर में से 2 घटा दूंगा, 7 में से 2 गए 5, ये तो 1 ही आ गया, ये भी नहीं है, इससे चेक करना, 1 जोड़ दे 4 और हर में से 2 घटा दे 6, 2 से काट दो, बन गई 2/3, ऐसे चेक करना, बताओ चारों चेक कर ली, कितनी देर लगी इसमें। ठीक है, अपने आप करोगे तो और जल्दी, क्योंकि मैं तो समझाने के हिसाब से कर रहा हूं चेक। तो भाई ऐसे भिन्न वाले सवालों में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं बस संख्याओं वाले, 2 अंकीय संख्याओं वाले और कर दूं और ये चैप्टर क्लोज। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, भिन्न वाले सवालों को आप क्या हो, जिसको एक्स वाई से भी कर सकते हैं वो तो सब कर सकते हो आप। देखो पहली इक्वेशन तो बनी रखी है, एक्स प्लस वाई बराबर 11, अंश और हर का योग है, और दूसरी इक्वेशन बनाओगे तो अंश में 1 जोड़ दो, हर में से 2 घटा दो, 2/3 तिरछी गुणा करना, एक्स वाई में दूसरी बन जाएगी, फिर हल कर देना दोनों को, ऐसे आप कर सकते हो। चलो इसको खाली एक्स मान के भी कर सकते थे वैसे, क्यों, एक एक्स दूसरी 11 माइनस एक्स, अंश और हर का योग है ना, ये हर है ये अंश है, मान लो दोनों का योग है 11, इसलिए अब कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें और हर में से क्या घटा दें, 2 बराबर 2/3, तो एक्स हल यहीं से हो जाएगा, फिर आपको वाई की भी जरूरत नहीं है, एक्स का मान डायरेक्ट आ जाएगा, इससे एक्स आ गया तो हर भी आ जाएगा, एक्स का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, मतलब 11 माइनस एक्स यहां किया, दोनों को बटे, उत्तर। ठीक है, ये बनती है भिन्न, तो ऐसे भी कर सको। चलो कोई बात नहीं, अब मैं अगले सवाल पे आता हूं, अगले टाइप पे। देखिए आगे के 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, बेस्ट क्वेश्चन है, अब मुझे लगता है कि इनमें मैं आपको पूरा चैप्टर समझाने में सफल रहूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सवाल ये रहा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे, अगर आज तक नहीं किया है तो आप इसको गले लगा लो, इतना आसान है। देखो कैसे, द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है,
तो यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है? सबसे पहले मैंने इसी बात को पकड़ा, ये जो दूसरी शर्त है कि संख्या जो भी लिख रही है, 2 अंक की, 12, 14, जो भी कुछ लिख रही है, ये लिख रही है, उसके अंकों का योग मुझे 11 देखना किसके का। ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। तो भाई ये शर्त तो उसने सारे में फिट बैठा दी। हो सकता किसी में 11 ही नहीं आता, मैं उसे वहीं गलत कर देता। समझ रहे हो ना? तो भाई ये क्वेश्चन तो इतना आसान नहीं बनाएगा कि आपको एकदम में एक ही ऑप्शन में 11 आ रहा है जी उसे लगा दो। दरअसल में दूसरी शर्त आपको चेक करनी ही पड़ेगी। अब दूसरी शर्त कैसे चेक करते हैं जरा देखिए। ऑप्शन मेथड है इसका बेस्ट, इसका भी। एक द्वि अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, द्वि अंकीय संख्या यारी, इसके अंकों को परस्पर बदल दूं तो क्या हो जाएंगे? अंक बदलने का मतलब 2 9 का 9 2 कर दो। बात समझ में आ रही है? चलो, बदलने से प्राप्त जो संख्या हुई है, यही तो हुई है प्राप्त, ये प्राप्त है। और मूल क्या? मूल जो ऑप्शन में दिए, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 क्या ये कम है? कोई ये तो ज्यादा, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है। भाई ज्यादा बैठानी है, कम थोड़ी बैठानी है। अब अगली पे आ जाओ, बहुत आसान है चेक करना, सिर्फ उत्तर की जांच कर रहे हो आप। अब जैसे मैं 92 ले लूं, इसके अंक परस्पर बदल दूं तो क्या हो जाएगी नई संख्या? अब के प्राप्त संख्या क्या है ये बताओ, मूल से 63 कम है या नहीं है? चेक कर लो, घटाए के चेक कर लो, 63 कम है कि नहीं है? 12 में से 9 गए 3, 8 में से 2 गए 6, 63 कम है जी। टेंशन फ्री, एकदम 92 उत्तर। क्लियर है ना? बताओ इससे आसान सवाल और क्या मिलेगा आपको? इतने इतने आसान सवाल हैं ये। अब अगर इसको बगैर ऑप्शन किया जाए तो ये सवाल उतना ही मुश्किल पैदा कर देता है आपके लिए। बगैर ऑप्शन मतलब तरीके से, चलो बताता हूं तरीके से भी। जरूरी है, जरूरी है। आप क्यों क्यों जरूरी है? ऐसे ही ना करके आ जाएंगे पेपर में। इस एक तो जरूरी इसलिए है, नीचे आपके साथ घोलमाल कर दिया उसने। मूल संख्या पूछ ले तो कुछ नहीं है, फिर तो आप ऑप्शन से करो, बेस्ट है। उसने पूछ लिया मूल संख्या के अंकों का योग बताओ, तो मूल संख्या थोड़ी देगा ऑप्शन में, फिर तो ये लिखेगा मूल संख्या के अंकों का योग 11। फिर हालांकि यहां तो अंकों का योग ही दे रखा, वो नहीं पूछ सकता, पर कहीं मूल संख्या के अंकों का गुणनफल बताओ, फिर कहां से लाओगे ऑप्शन? अन्ना ऑप्शन से होना, फिर तो फिर तरीके में फंसना पड़ता है हमें, ठीक है? पर वो बहुत कम चांस है जो आपसे पूछना है, उसे जिद ही अट गया, जिद पे ही अट गया तभी पूछता। तो चलो, पूछ कुछ भी सकता भाई, यूपीएसआई में तो पूछ सकता, दिल्ली पुलिस में तो नहीं पूछेगा। चलो तो मैं बता देता हूं। तो इसमें आपको माननी है पहली और दूसरी संख्या, 2 अंक मानने कोई बात नहीं। अगर मैं मानना चाहूं एक्स और वाई, दरअसल में अगर आप एक अंक मान सकते हो इसमें, एक अंक सिर्फ, अंकों के हिसाब से हमें मानना पड़ता है। अंकों के हिसाब से कैसे मानना पड़ता है? संख्या इसमें जो माननी पड़ती है वो 10x + y माननी पड़ती है, 10x + y, ठीक है? इसमें 10x + y बनानी पड़ती है संख्या। क्यों? ऐसा क्यों? x है ढाई का अंक और y है इकाई का अंक। x और y क्या? x है ढाई अंक और y है इकाई अंक। समझ रहे हो? तो संख्या क्या होगी? संख्या बताई है मैंने 10x + y। क्यों? अगर जैसे मान लो 5 और 2 है, 52 संख्या लिख रही है, 52 संख्या ये, तो x मान लीजिए ढाई का अंक 5 और y क्या है? इकाई का अंक। तो 5 और 2 से 52 कैसे ला सकते हो? इसमें रख के ही ला सकते हो, 10 5 50 + 2 52 ऐसे आएगा संख्या।
पांच और दो से 52 ऐसे आ सकती है, इसलिए हमें 10x प्लस वाई का सहारा लेना पड़ता संख्या का, ठीक है। नहीं तो फिर मैं ये नहीं कह रहा, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अजी संख्या एक्स वाई ना कह दोगे, एक्स वाई कहने में क्या बुराई है? अगर एक्स वाई कहूंगा और पांच और दो लिखूंगा इस पे कि वाई की जगह पांच और एक्स की जगह वाई की जगह दो और एक्स की जगह पांच, तो भाई ये इसका मतलब तो गुणा होता है, तो 10 रहेगी, एक्स वाई का मतलब तो गुणा हो जाएगा, इसलिए संख्या एक्स वाई नहीं लिख सकता, 10x प्लस वाई लिखना पड़ेगा मुझे, ये है जरूरी बात। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है, यही तो दिया है, इकाई और दहाई के अंकों का योग ही तो है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंक इकाई का और दहाई का। चलो तो x प्लस वाई एक इक्वेशन बन गई, अब दूसरी बना लो, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी और बनानी पड़ेगी एक्स वाई में ही। कैसे? आज एक्स वाई तो सीख रहे हैं सुबह से, और क्या कर रहे हैं देखो, देखो एक दो अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से 10x प्लस वाई के कभी भी अंक बदलने होना आपको, तो इसे 10y प्लस एक्स बोलते हैं, 10y प्लस एक्स, क्यों? 25 अब आएगी, ये चेक कर लो, 10y प्लस एक्स को अब 25 कह सको, 10 दूनी 20 क्योंकि वाई का मान 2 है, और प्लस 5 25 उल्टा 52 का तभी बनेगा जब इसको 10y प्लस एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर अंक पलटने हो ना 10x प्लस वाई को 10y प्लस एक्स किया जाता है, ठीक है। चलिए तो 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स अंक पलट गए, अब इनका अंतर देखो, मूल संख्या क्या है ये रही, ये मूल थी और ये अंक पलटने से आई, इनका अंतर क्या आया 63, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी, इससे हल करना पड़ेगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 63, 9x माइनस 9y बराबर 63, और x माइनस वाई आ जाएगा, 9 कॉमन लेकर 7, x माइनस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बोरा, x माइनस वाई ये रहा, कल बताया यहां से आगे हल करना, एक बार जोड़ के आधा कर दो, या तो 11 7 18 / 2 9 एक अंक आ जाएगा, और एक घटा के आधा 11 - 7 4 / 2 2, 9 और 2 2 अंक आगे उत्तर, ठीक है। या आप वही अपने तरीके से हल कर लो, अरे जोड़ने पर वाई से वाई 2x बराबर 11, वही अपना जैसे भी करना, ये इसका प्रॉपर तरीका, ठीक है। आपको क्या 29 या 92 अपने आप आएगा, एक्स क्या दहाई का अंक माना तुमने, इसमें क्या दिक्कत है, संख्या में रख देना एक्स और वाई के मान जो भी आए, संख्या आएगी 92 में अपने आप, 29 ही नहीं आने की, 92 ही आएगी डायरेक्ट, ठीक है, मूल संख्या आएगी। पर चलो ये बहुत मतलब तब है अगर तरीका ही इसका सीखना है तो, ये तब है, नहीं सीखना ऑप्शन से करना वो तो बेस्ट ही है। चलो पर इन पे प्रैक्टिस करो भाई, एक्स वाई पे करो, जरूरी है थोड़ा सा एक्स वाई जानो, एक दुई अंकीय संख्या इस चैप्टर में मनवा रहा हूं एक्स वाई, लास्ट में तक मैथ खत्म कर देंगे, कहीं एक्स वाई नहीं मानेंगे कहीं भी, और ना जरूरत पड़ेगी। एक दुई अंकीय संख्या का इकाई का अंक ढाई के अंक का वर्ग है, आप क्या हो इसको, तो फिर एक्स वाई से ही करना पड़ेगा, नहीं बगैर ऑप्शन बगैर एक्स वाई हल कर सकते हैं इसको, कैसे? इकाई का अंक ढाई के अंक का वर्ग है, ध्यान देना, इकाई का अंक वर्ग में ढाई के अंक का एक एक हो सकता, इकाई का अंक ढाई के अंक का वर्ग, और बताओ कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 हो सकता, और बताओ 4 2 कैसे हो जाएगा, अच्छा ये बोल रहा इकाई का अंक ढाई के अंक का वर्ग है, अरे सही तो है, ढाई का वर्ग नहीं है इकाई का अंक, ठीक है, और बताओ क्या हो सकता, ढाई का अंक का वर्ग है इकाई का अंक, ठीक है। चलो और बता सको, और बता सको इनके अलावा, ऑप्शन मिल गए तो आपको, उन्हें क्यों लो ऑप्शनों को, ये रे इनमें से आएगी कोई सी संख्या, या तो 11 आएगी या 24 आएगी या 39 आएगी, चेक कर दो फटाफट। अगर मैं 11 से चेक करूं, इससे चेक कर लो, अरे इसके तो अंक भी बदल लो, अंतर आएगा ही नहीं कुछ,
यहां चाहिए अंतर 54, अंक बदल के अंतर 54 आना चाहिए, यह नहीं है। अंक बदलू 42 हो जाएगा, 42 और 24 का अंतर 54 आ सके, सिर्फ एक ही बच गई। 39 के अलावा क्यों नहीं हो सकती कोई और इकाई का अंक, ढाई के अंक का वर्ग बैठ ही नहीं सकता। आप सोच के तो देखो, कोई दो अंकों में बैठ ही नहीं सकता। आपके वो 4 और 16, अरे फिर तो 416 वो तो 3 अंकों में चली जाएगी, ठीक है। तो यही है उत्तर, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। चेक करके दिखा देता हूं, 39 बदल दो अंक 93 घटा के देख लो, 54 का अंतर आएगा, परफेक्ट आ रहा होएगा, मिल गई संख्या क्या 39। अब इसका 40% नहीं निकाल सकते, वैसे सिखाया नहीं है अभी परसेंट पर, बता रहा हूं फिर भी 39 का 40% का मतलब हो बटे 100, 0 से 0, 39 चौका 156 बटे 10 15.6। ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, एक्स वाई की भी जरूरत नहीं है, और सवाल खत्म है। चलिए भाई ये चैप्टर मैं क्लोज कर रहा हूँ, अगला चैप्टर औसत चलेगा, लेकिन टेस्ट दोगे संडे में बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो।